रियासुल जन्ना जाने के लिए हम लोग लाइंस में खड़े हैं और ये देखिए कितना रश है और सब लोगों ने फ़ोन पकड़े हुए अपने चेक कर रहे हैं और आराम से हम आ गए हैं। रश तो बहुत है लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर लाइंस हैं सारी, ये देखिए, और पीछे तक लाइंस हैं और बड़े आराम से ये लोग थोड़ा थोड़ा करके अंदर जा रहे हैं। तो बस ये मैंने दिखाना था आपको। ये देखिए रियासुल जन्ना में अंदर आ गए हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि अभी खड़े बिल्कुल करीब हैं, हम यहाँ पर अंदर आने दिया है और अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। गेट 38 के सामने खड़ा कर दिया है। बड़े आराम से आ गए हैं, इन्होंने लिफाफे दिए हैं कि जूते लिफाफों में डालें और बस अब ये कुछ न कुछ जो है अंदर जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी इंशाल्लाह ताला हाज़िरी होगी। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लोग आते वक्त बड़े परेशान होते हैं कि बड़ा मसला है, तो ठीक है रश है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा है लेकिन कोई इतना मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्लाह ने बुलाया है तो फिर सारे काम आसान होंगे ही इंशाल्लाह ताला। रियाजुल जन्ना में अंदर, ये रियाजुल जन्ना है, यहाँ मुझे जगह मिली बहुत अच्छी, जैसे मेरे लिए अलग से रखी गई हो। बहुत रश था और बड़े आराम से मैंने नफल पढ़ ली और दुआ की। मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी, फिर मैंने कहा कि मैं आई हूँ, आप लोग पूछेंगे तो आपको दिखा दूँ कि क्या है अंदर से। ये यहाँ से इन्होंने बंद किया हुआ है, बस यहाँ पर दुआ करनी होती है। और ये देखिए ऊपर भी सूरत जगह है, बस दुआ की जगह है, बस दुआ की जगह है, बस दुआ की जगह है। अल्लाह कबूल करे, सबके लिए दुआएं की हैं। बस रश देख लीजिए, कहती है कि उठ जाएं उठ जाएं। तो बस पढ़ ली है, दुआ कर ली है और ऊपर पहुंच गई है, मुझे यकीन है। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आप सबकी भी दुआएं कबूल करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, हम मदीना में, देखे कितनी पुरानी पुरानी फ्रेंड मिल गई, रियाजुल जन्ना में मिल गई मुझे। शनीला क्या नाम है? शनीला आबिद। जोर से बोलो ना, शनीला आबिद। कहाँ होती थी तुम? पाकिस्तान एयरफोर्स में। मेरे हाँ, ये मेरी एयरफोर्स की बहुत पुरानी पुरानी फ्रेंड है। देखिए अल्लाह ताला कहाँ कहाँ मिला देता है ना। दिल जो है ना वो अपना होना चाहिए, प्यार मोहब्बत रहनी चाहिए। मुझे इसने बताया था, इसने मुझे व्हाट्सएप मैसेज पे बताया था कि हम आ रहे हैं। पता है शनीला, मैंने सोचा, मैंने कहा किधर से मिलेगी, ये इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा रश है, कहाँ से मिलेगी। और देखो मैंने हल्की सी दुआ की थी, लम्बी आई है तो देखो दुआ कबूल हो गई। और मुझे मेरी बहू और रोमा ने मुझे कहा, ये अभी वीडियो बना रही है, मुझे कहती है मैंने उनको रियाजुल जन्ना में देखा है, तो मैंने सोचा इसको मैं मैसेज करती हूँ, मैंने कहा किधर मिलेगी ये ना, लेकिन मिल गई है ना। बस प्यार होना चाहिए। और ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी सी फ्रेंड्स पुरानी, और ये देखती है, और ये इनकी बहू भी है, उनकी बेटी भी है, वो भी कहती है हमारी वीडियो देखती है। देखिए जी जो जो भी देखे हमारी, उनकी दुआ के अल्लाह पाक आपको भी आना नसीब। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको लेके आए, आप लोग जो सब देख रहे हैं। और इसी तरह अचानक प्रोग्राम बन जाता है, जैसे मैं आ गई हूँ अचानक, है ना, कोई पता नहीं होता। ये बुलावे हैं अल्लाह ताला के, ये हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो फिर अल्लाह में यानी हमारे दिल में डाल दिया वह प्यार और हम मिल गए यहाँ पर है, तो ये बात होती है। चलें जी, खुश रहें और इसी तरह मिलते रहें, और जब पता चले कोई कहाँ है तो जाके उसे मिल लें। जिंदगी का कोई पता है नहीं, जिंदगी का कोई एतबार है नहीं, है ना। चलें खुश रहें जहाँ भी रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी तो आज का सफ़र यहाँ तक ख़त्म हुआ, रात के 9:45 हैं। अभी हम रियाजुल जन्ना से निकल आए हैं और क्या वहाँ का सुकून था। दुआएं मांगी हैं जितनी दिल में आई अल्लाह ताला से, अल्लाह कबूल करे। और फिर बाहर आई हूँ तो मेरी बहुत प्यारी एक फ्रेंड मिल गई मुझे, जिसने मुझे कहा था कि मैंने आना है, और मैंने दिल में सोचा था कि यहाँ तो मुलाकात हो नहीं सकती इतना रश में, और देखिए अल्लाह ताला ने मिला दिया, तो दुआएं कबूल होती हैं। कहती मैंने दिल में दुआ मांगी थी। और एक और भी मेरी बड़ी प्यारी फ्रेंड मुझे मिली मस्जिद नबी में, उसने भी मुझे ढूंढ लिया। और एक और जो है बड़ी प्यारी बेटी, वो भी मुझसे मिलना चाह रही है, तो मैं मिलूँगी। और जो अपने हैं उन्हें
समेट लें, उनसे मिल लें। ज़िंदगी ऐसी ही है, गुजर जाती है, और अल्लाह करे कि आप लोग सारे यहाँ आएँ। मैंने दुआ की है और इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा। और कभी कभी ऐसे अचानक प्रोग्राम बन जाता है और अल्लाह ताला जो है कहाँ कहाँ से वसीले निकाल लेता है, कोई पता नहीं होता। तो बस इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखें कि यहाँ पर आएंगे ज़रूर और यहाँ के दुआ मांगेंगे। दुआ तो कहीं भी मांगी जा सकती है, यहाँ ना आ पाए तो जहाँ बैठे हैं वहाँ इबादत करें, दुआ मांगें। दुआ बहुत ज़रूरी है ना। तो बस ये आज की बात बस ख़त्म हो गई। इंतज़ार था रियाज़ुल जन्ना का और थोड़ा सा रश था, खड़ा होना पड़ा, लेकिन ये कि कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो ऐप में सब कुछ डाला हुआ था वो देखते हैं और लाइन में से निकालते चले जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। तो ये बात है अल्लाह आप लोगों को यहाँ लेके आए ज़रूर इंशाल्लाह ताला। खुश रहें, जहाँ रहें दुआओं में याद रखें। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारक अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।